को देख के वो नक्सल बन जाता, वो राइफल उठा लेता, लेकिन अनूप अपने आप में संयम रखा और सोचा मुझे पढ़ना है, पढ़ के बड़ा आदमी बनना है और अपने भाई बहन को भी पढ़ाना है। टेंथ तक किसी तरह से पढ़ाई करने के बाद बेचारा टूट गया, उसके पास पैसे नहीं थे। वो मुख्यमंत्री नीतीश जी के यहाँ गया जनता दरबार में और अनूप बोला कि भाई मुझे कुछ मदद कर दे, हमारे पास पैसे नहीं है। उनके अधिकारी कहे कि तुम क्या करना चाहते हो, अनूप बोला कि भाई हम तो IIT करना चाहते हो। तो उन लोगों ने बोला क्या पैसा से IIT हो सकता है, जाओ एक आनंद आदमी है, पता दे दिया, वहां पर पता करो, तुम्हारा IIT हो जाएगा। और आज अनूप सेकेंड ईयर IIT बॉम्बे में पढ़ रहा है, हम अनूप से मिलवाना चाहेंगे आपको। और इसी तरह से एक कहानी और है नम्रता की। इनके पिताजी के एक बहुत छोटी सी दवा की दुकान है, मुश्किल से घर चल पाता था, स्कूल फी देने में पिताजी को काफी दिक्कत होती थी, लेकिन बच्ची संघर्ष करते रही, पढ़ते रही और पढ़ते पढ़ते इतना मेहनत की हमारे प्रोग्राम में आई और आज बच्ची वो नम्रता IIT बॉम्बे में थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, वो भी आई है आप लोगों से। तो मेरे दोस्तों, हमने कुछ कहानियां सुनाई, लेकिन ये कहानी दो चार लोगों की कहानी नहीं है, ऐसे हीरो हमारे पास 212 हैं, 212 बच्चे हमारे पास हैं जो कि अब तक संघर्ष करके, मेहनत करके IIT क्वालिफाई किया। ये सुपर 30 जो हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं उसके पीछे का क्या हिस्ट्री है, क्यों चलाते हैं, ये बताना चाहेंगे। 94 में, आज से कुछ साल पहले, लगभग 94 में मेरा भी इंटरेस्ट था, जब मैं कॉलेज के जमाने में पढ़ता था, कि पढ़ लिख के एक बड़ा मैथमेटिशियन बनूं, एक साइंटिस्ट बनूं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ते गया, चलते गया, आगे बढ़ते बढ़ते कॉलेज तक पहुंचा, तो हमारे कुछ पेपर्स फॉरेन के जर्नल्स में पब्लिश हो गए। उस समय जब मैं खुद अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, मैंने उसके बेसिस पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन के लिए ऑफर भी मिला, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारे पिताजी की भी अचानक मृत्यु हो गई, हमारा घर पूरे तरह से आर्थिक तौर से तंगी में आ गया, खाने को मोहताज हम लोग हो गए, कैम्ब्रिज जा नहीं सके। और तो और बात, हमारी माँ पापड़ बनाती थी और हम उसे पैकेट में लेके साइकिल से घूम घूम कर रोड पर पापड़ बेचकर अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन हमारे मन में एक बात जरूर थी कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, हम पैसा के चलते नहीं जा पाए तो उन लोगों को, बच्चों को भेजना है जो हमारे जैसे हैं। तो उसके दो चार साल बाद हमने एक रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की शुरुआत की, जिसमें कुछ बच्चे आते थे, पढ़ते थे और हम लोग फ्री एजुकेशन का काम करते थे। कुछ साल चलते 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 एक बार एक बच्चा आया, कहा अभिषेक कि सर आप तो फ्री में पढ़ा देंगे, लेकिन पटना जैसे शहर में मैं रहूंगा कहाँ, खाऊंगा कहाँ। मैंने पूछा कि अभी तुम कहाँ रहते हो, तो बड़ा मुश्किल हो रही है सर, खाना पर मैं मोहताज हूँ, अभी तो हमारे गांव के एक अमीर आदमी है, उनके घर के सीढ़ी के नीचे मैं रात बिताता हूँ। मैं गया देखने, अचानक गया उनके घर पर पता बताए हुए रास्ते पर और देखा सही में अभिषेक सीढ़ी के नीचे बैठ के पढ़ रहा है। मुझे उस दिन हमारे दिल को झकझोर दिया इस घटना ने, मुझे लगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको और अच्छा मॉडल बनाना चाहिए, 30 बच्चों को जो जिनमें टैलेंट है चुनना चाहिए और उन्हें खाना पीने का भी व्यवस्था करना चाहिए और साथ में रखना चाहिए। तब हमने सुपर 30 की शुरुआत की, आज से 9 साल पहले। तब हमने 30 बच्चों को सेलेक्ट किया, उसमें मेरे भाई ने बोला कि ठीक है भाई, आप भैया कर रहे हैं प्रोग्राम, हम इसका मैनेजमेंट देखेंगे। अमित कुमार, प्रवीण कुमार और नीरज प्रताप सिंह, ये 3 छात्र हमारे थे जो पहले फ्री एजुकेशन का फायदा उठा चुके थे, वो बोले नहीं मुझे नौकरी करनी है, हम भी आपके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे सर, ये अभियान आप चलाइए। हम लोगों ने चलाना शुरू किया और हमारी माताजी और कुछ लोग मिल के मोहल्ले में खाना बनाना शुरू की और बच्चों को भी घर में हम लोग खाना देते थे, अभी भी दे रहे, और बच्चे खाते पीते थे और एक साथ हम लोग पढ़ाई स्टार्ट किया। जब प्रोग्राम की सफलता की गूंज सब लोग सुनने लगे, सफलता की कहानियां लोगों तक गई, तो डोनेशन देने वालों का भरमार लग गया। अमेरिका जैसे देश से जो NRI थे, कई अमेरिकन थे, कई डॉलर, हजारों लाखों डॉलर तक देने वाले लोग आए, कहे कि भाई हमसे मदद लो, तुम पैसा लो, तुम चलाओ इस प्रोग्राम को और बढ़ाओ।
आनंद महेंद्रा साहब बॉम्बे से जब मुख्यमंत्री से चीफ मिनिस्टर से नीतीश जी से मिलने आए तो उन्होंने भी ऑफर किया कि लो पैसा तुम लो। हमने कहा हाथ जोड़कर आपका आशीर्वाद काफी है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि अगर आप में क्षमता है, आप में ताकत है, तो कोई पैसा मायने नहीं रखता है, इच्छा शक्ति है तो कुछ भी आप करके दिखा सकते हैं। इसलिए आज भी मैं डोनेशन नहीं लेता हूं, बल्कि शाम को कुछ बच्चों को इकट्ठा करता हूं और हमारी पूरी टीम उन बच्चों को पढ़ाती है जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, और उनके फी से जो पैसा आता है उससे हम लोगों का और इन 300 बच्चों का खाना पीना चलता है। बाद में इसके बावजूद हमने किसी से चंदा नहीं लिया, कोई डोनेशन नहीं लिया, पैसा नहीं लिया, बावजूद इसके हमें बहुत सहना पड़ा, बहुत स्ट्रगल हुआ। जब अच्छे रिजल्ट आने लगे तो पटना जैसे खूंखार जगह में बहुत सारे माफिया हम पर हावी हो गए, कई बार हम पर हमला हुआ, 3-3 बार गोलियां चली, एक बार एक बहुत भारी क्रिमिनल धमकी दिया कि ये सब धंधा पानी छोड़ो, जो सबका फी है वही लेके चलाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, हम के तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ो। उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने 3-4 रिवॉल्वर धारी को भेजा और हमारे घर पर आके अटैक किया। एक हमारा नन टीचिंग स्टाफ था जो बच्चों को खाना उना खिलाता था, उसके पेट में पूरा चाकू घुसेड़ दिया, मुन्ना उसका नाम था, पूरा जब चाकू घुसेड़ दिया, हम लोग चाकू लगा हुआ उसको टांग के हॉस्पिटल ले गए पटना मेडिकल कॉलेज में। वो 3-4 महीना जिंदगी मौत से लड़ा, अंततः भगवान का आप लोगों का दुआ था वो बचा। फिर उसके बाद नीतीश गवर्नमेंट आई, नीतीश जी के आने के बाद बिहार में क्राइम कंट्रोल हो गया, कोई गुंडे नहीं थे, लेकिन फिर भी सरकार ने मुझे बॉडीगार्ड दे दिया 2 कि भाई लीजिए आप बॉडीगार्ड को रखिए, लेकिन ये हमें हमारे लिए हेडक हो गया। अब मैं जब भी पटना में रहता हूँ कम से कम 2 आदमी इसी तरह से पीछे पीछे घूमता है, मैं पढ़ाता हूँ बाहर खड़ा रहता है, पत्नी भी कभी कभी डांटती है कि अरे कभी मार्केट उर्केट चलिए, पार्क उर्क में घूमने चलिए, ये सब कहाँ कहाँ पीछे आपके चलता है भाई। तो ये सब तरह की भी परेशानी उठानी पड़ी, फिर भी मैं अपना संघर्ष जारी रखा, चलते रहा। नीतीश जी के आने के बाद, नए चीफ मिनिस्टर के आने के बाद क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल हो गया, लेकिन माफियाओं ने चाल नहीं बदली, वो नकली सुपर 30 खोला और बड़े बड़े संस्थान से, जैसे गया सुपर 30, मुजफ्फरपुर सुपर 30, कुछ भी लिख दिया राजा सुपर 30, यहां तक कि लिख दिया ओरिजिनल सुपर 30 और जो राजा बाजा गया लिखता था वो लोग बड़ा छोटा स्क्रिप्ट में, और सुपर 30 बहुत बड़ा। लोगों से चंदा लिया, यहां तक कि एक रिसीट लेके ऑटो चालक से, चाहे तो आपका रिक्शा वाला तक से लिया कि भाई मैं काम कर रहा हूं उससे। 2 उन लोगों का मकसद पूरा होता था कि या तो इसको बदनाम भी करो चंदा लेता है, और दूसरा काम करो कि भाई कुछ पैसा भी कमाओ। आज भी कल की भी घटना है कि लोग इस तरह का काम पटना में कर रहे हैं, बहुत लोग बदनाम करना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं, फिर भी हम लोग चाहे कि नहीं कोई बात नहीं है, काम चालू रहना चाहिए। लेकिन खुशी की भी घड़ियां आई, जब पहला साल हम लोग 30 बच्चों को लिया तो 18 बच्चे उससे IIT में गए और बाकी बच्चे NIT वगैरह में क्वालिफाई किए। दूसरे साल 22 बच्चे 30 में से गए, फिर तीसरे साल 26, चौथे साल 28, फिर 28, और पिछले 3 सालों से 30 के 30 बच्चे IIT में जा रहे हैं। बहुत लोगों से तारीफ आई, जो बुरा चाहने वाले हैं वो हजार लाख में काद है, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छा चाहने वाले हैं, लोगों ने बड़ाई किया, आके घर पर धन्यवाद दिया, बहुत मिठाइयाँ खिलाई, बहुत हौसला बढ़ाया हमारा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। टाइम मैगजीन ने पिछले साल द बेस्ट ऑफ एशिया करके स्कूल का एक लिस्ट बनाया, उसमें नंबर 1 में मेरा नाम रखा। न्यूजवीक मैगजीन ने 4 टॉप स्कूल ऑफ वर्ल्ड करके लिखा, उसमें एक मेरा नाम रखा। डिस्कवरी चैनल ने 1 घंटे की फिल्म बनाई, और मिस जापान इसके बारे में पता चला, नोरिका फ्यूजीवाला, वो पटना घूमने आई। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आए, बहुत बढ़ाई किए, अच्छा लगा। अब तो बॉम्बे से बहुत सारे फिल्म मेकर भी आते हैं कि मैं आपकी कहानी तो एकदम फिल्मी है भाई, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो ये सब चलता रहा, अच्छा रहा। यहाँ मुकेश अंबानी ने बॉम्बे बुला के रियल हीरो अवार्ड भी दिया, तो बहुत सारी बढ़ाइयाँ मिली, प्रशंसा मिला मेरा। बहुत सारे लोग पूछते कि अच्छा क्या कारण है आपका कि इतने बच्चे सफल कर जाते हैं, इतने अंडर प्रिविलेज बच्चे रहते हैं, फिर भी क्या बात है, क्या खासियत है, कहीं आप क्वेश्चन तो आउट नहीं करवा देते हैं, तरह तरह के लोग बातें बोलते। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा क्या बात है।
तो इसके हाउ एंड व्हाई के लिए मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने दो कैरेक्टर बनाया है, लैपटॉप पर ही बनाया है दो कैरेक्टर चित्र बना के, एक रिक्की का और एक भोलू का, जिसमें रिक्की को अमीर घर का बच्चा बताया है टाई कोट सूट बोट पहने, और जो भोलू है हम लोगों के स्टाइल का बच्चा है वो। और जब पढ़ाई की बारी आती है तो रिक्की भी सीरियस है, पढ़ता है, लेकिन भोलू हर चीज को दूसरे ढंग से सोचता है, एक सवाल का मल्टीपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, दो चार पांच छह सॉल्यूशन तक देता है, प्रॉब्लम को जनरलाइज करता है, उसमें विस्तार खोजता है, इससे फायदा दो होता है। और फायदा क्या होता है कि जो बच्चे अंडर प्रिविलेज है उनमें ताकत मिलती है कि भाई मैथमेटिक्स का ज्ञान होता है, और साथ साथ उनमें ये कॉन्फिडेंस जागता है कि गरीब घर का ही बच्चा कुछ कर सकता है। हालांकि मेरा एक सब मकसद नहीं रहता है कि भाई हम ये डिमोरलाइज करना चाहें कि जो बहुत अमीर है नहीं पढ़ सकता, लेकिन हम इंस्पायर करना चाहते हैं बच्चों को, हमारा यही स्ट्रैटेजी है। अब उनको उन लोगों का टेस्ट भी होता है, वीक में दो तीन टेस्ट भी लेते रहते हैं, कम से कम दो टेस्ट लेते हैं, सिमिलर टाइप का जो आईआईटी टाइप का टेस्ट है, ताकि वो अभ्यस्त हो जाए। मान लिया जाए पूरे ट्रेनिंग के दरमियान हमने 150 टेस्ट लिया, 150 लिया टेस्ट, जब वो आईआईटी देने जाए तो उन्हें ऐसा लगे कि 151 टेस्ट हमारे स्कूल का ही है, ना कि कोई नया सवाल है। ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। लास्ट में ये बताना चाहेंगे हमारा ड्रीम क्या है। हम लोग एक ड्रीम लेके चल रहे, एक स्कूल खोलना चाहते, ऐसा स्कूल। अभी बच्चों को जब सेलेक्ट करने जाते हैं तो बच्चे कम मिलते हैं, क्यों? क्योंकि 10th के पहले ही जो बहुत अंडर प्रिविलेज है वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपने माता पिता के साथ जुड़ जाते हैं। अनूप जैसा, अनुपम जैसा, श्याम जैसा बच्चा बहुत कम है जिसमें इतना स्ट्रगल करने की क्षमता है। उनके माता पिता भी कभी कभी उसको बच्चों को काम में लगा देते हैं। इनके माता पिता भी महान है जो कम से कम बच्चे को इंस्पायर करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि और छोटे क्लास से, तीसरी क्लास से, चौथी क्लास से एक स्कूल बनाए, एक अपना कैंपस हो। अभी तो रेंट पर लेके किसी तरह से हम लोग काम चला लेते हैं, 3 सेट का बना हुआ क्लासरूम है, हम लोगों का काम चल जाता है, लेकिन एक स्कूल बनाना चाहते हैं जिसमें छोटी क्लास से बच्चों को ले, उन्हें ट्रेनिंग दे, पूरा ट्रेनिंग दे, और ऐसा ट्रेनिंग दे कि आईआईटी तो मामूली बात हो, वो आईएमओ में, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में प्राइज जीत के आए, गोल्ड मेडल जीत के आए, और आने वाले 20 वर्षों में वही हमारे देश का नोबेल प्राइज विनर हो। तो ये हमारा एक सपना है। बस यही हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से मिलने का मौका मिला, आपके सामने बोला, प्रणाम। आनंद जी बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम की एक छोटी सी यादगार भेंट हम आपको देना चाहते हैं। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर collecting as many nuggets of wisdom as you can as we go along. The hail has not stopped though. With regard to the next speaker, for many in this space, he plays many roles. He is guide, philosopher, supporter, spokesperson, statesman, writer, acclaimed wit, and above all, a much